दोस्तों, कैलेंडर देखकर मोबाइल में या दीवार पर टंगा हुआ हमने बहुत बार देखा है कि आखिर महीने में कितने दिन होते हैं। लेकिन क्या आप अपने हाथ से पता कर सकते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं? जी हाँ, इस मुट्ठी से। इस मुट्ठी का इस्तेमाल आपने अलग अलग चीजों के लिए किया होगा, जैसे कि हाथ में कुछ पकड़ने के लिए, मुक्का मारने के लिए और भी चीजों के लिए। लेकिन आज हम इस मुट्ठी का इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लिए, यह जानने के लिए कि अलग अलग महीनों में आखिर कितने दिन होते हैं। तो चलिए करीब से देखते हैं इस मुट्ठी को। दरअसल इस मुट्ठी में जो यह मौजूद पोर है ना, ये जो हमारे यहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, इनसे हम पता कर सकते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं और इनसे हम याद भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मुट्ठी बंद हुई भी दिखाई दे रही होगी और यहाँ ऊपर की ओर यह है, यह है और यह है और यह है, चार उठे हुए हिस्से हड्डी के जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। जब आप भी अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो इस तरह से आपको अपनी कुछ हड्डियां जो है वो ऊपर की ओर दिखाई देंगी उठी हुई। तो इन्हें हम बोलते हैं नकल्स, यानी कि पोर। हिंदी में बोलते हैं पोर और अंग्रेजी में नकल्स। तो इनकी मदद से हम देखेंगे कि जो महीने होते हैं उनमें कितने दिन होते हैं। साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे ये जो नीचे के हिस्से हैं इस तरफ, ये दो उठे हुए पोरों के बीच में एक यह हिस्सा, यह हिस्सा, यह हिस्सा, तो ये तीन पोर के नीचे का हिस्सा है जो नीचे की तरफ है, तो यह तीनों हिस्से और ऊपर के जो पोर हैं उनको देखते हुए हम जानेंगे कि साल में जो महीने होते हैं उन महीनों में आखिर कितने कितने दिन होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे यहां से। तो सबसे पहले ऊपर उठा हुआ जो पोर है वो होगा जनवरी, उसके बाद नीचे जो धसा हुआ हिस्सा है वो होगा फरवरी, उसके बाद फिर से ऊपर वाला पोर होगा अगला महीना यानी कि मार्च, नीचे वाला हिस्सा होगा अप्रैल, ऊपर वाला पोर होगा मई, नीचे वाला हिस्सा हुआ जून, अब फिर से ऊपर वाला पोर जो है वो होगा जुलाई। अब जुलाई तक तो हो गया, लेकिन अब हमारे पोर और जो बीच के हिस्से हैं वो तो खत्म हो गए, इतने ही थे। तो हम क्या करेंगे, वापस से जो शुरुआत में पोर था वहां जाएंगे और इस पे आएगा अगस्त, और अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त के बाद आता है सितंबर, वो आएगा यह नीचे वाले पोर में, पोर का जो नीचे वाला हिस्सा है धसा हुआ उस पे आएगा सितंबर, उसके बाद ऊपर पोर पर आएगा अक्टूबर, और उसके बाद नीचे वाले हिस्से में आएगा नवंबर, और फिर ऊपर वाले पोर पर आएगा दिसंबर। तो अब हमारे महीने जो हैं वो हमने मार्क कर दिए अपने हाथ पर, यानी जो पोर है उस पर और नीचे वाले हिस्से पर। तो अब सारे महीने जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा, ये जितने भी ऊपर उठे हुए हिस्से हैं जरा देखिए कौन कौन से, जनवरी, अगस्त, मार्च, अक्टूबर, मई, दिसंबर और जुलाई, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहे हैं ऊपर उठे हुए हिस्से, जो कि लाल रंग के एरो से भी मार्क्ड है, इनमें होंगे 31 दिन यानी 31 डेज। और अब ये जो नीचे धसे हुए हिस्से है, क्योंकि वो नीचे की ओर है तो उनमें होंगे कम दिन। सबसे पहले देखिए कौन सा हिस्सा है, यह क्या है, फरवरी। लेकिन फरवरी एक एक्सेप्शन होता है, यानी फरवरी कुछ खास है, फरवरी में ना तो 31 दिन होते हैं और ना ही 30 दिन, तो इसे तो हम यहां से हटा देंगे। लेकिन अब देखिए, अब कौन कौन से जो महीने हैं वो नीचे के हिस्सों में आए हैं, एक तो यह है सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जून, इन सभी महीनों में होते हैं 30 दिन। ऊपर वाले ऊपर की ओर है यानी ज्यादा है तो उसमें होते हैं 31 दिन। ऊपर के जो पोर हैं उसमें जितने भी महीने हैं लाल रंग के एरो से जो दिखाए गए हैं उनमें होते हैं 31 दिन, और नीचे धसे हुए हिस्से में जो एरो से दिखाए हुए महीने हैं यानी कि नीले रंग के एरो से, उनमें होते हैं 30 दिन। तो दोस्तों चलिए एक एक करके देखते हैं कि 31 दिन कौन कौन से महीनों में होते हैं और 30 दिन कौन कौन से महीनों में होते हैं। तो एक तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, उसके अलावा मार्च में, मई में, दिसंबर में, जुलाई में और अगस्त में, और यह हमारा अक्टूबर, इन सभी महीनों में यानी ये सात महीने जो हैं इनमें होते हैं 31 दिन, 31 डेज। अब देखते हैं कि 30 दिन कौन कौन से महीनों में होते हैं। एक तो हमारा सितंबर,
अप्रैल, उसके अलावा नवंबर और जून, इन चार महीनों में होते हैं 30 दिन। और बचा हुआ जो हमारा फरवरी है वो तो होता है खास, उसमें या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन। तो हमने अपने हाथ के पोर की मदद से जाना कि महीनों में कितने दिन होते हैं, जो अलग अलग महीने होते हैं उनमें कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने हाथ को मुट्ठी बनाना और फिर अपने पोरों की मदद से देखना कि महीने में कितने दिन होते हैं। क्या आप कैलेंडर के अलावा और इस तरीके के अलावा कोई और तरीका जानते हैं जिसकी मदद से हम याद रख सकते हैं कि महीने में कितने दिन होते हैं?